सभी पानी वाला कंट्रोल सागर है, रोड पे पानी नहीं लगाए। अब हमारे देश के तमाम विधानसभा क्षेत्र के समर्थी समर्थित करते हैं, वो अपने मंत्रिमंडल सबसे दूर से रखेंगे। भाजपा से महागठबंधन के समर्थन प्रतिनिधि और समाजसेवी और इस चुनावी सभा में उपस्थित माता और बहनों तमाम लोगों ने अभिनंदन किया है। ये चुनाव अप्राकृतिक है, जिसे महाराजिक वैधानिक प्रबंध द्वारा जिस मुद्दे का मिला है आप तमाम लोग इससे वाकिफ होंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने पिछले चुनाव में एकता और बहुमत का परिचय दिया था, उसी तरह उससे भी दुगुना एकता और भिन्नता के साथ इस बार सरल घर घर मंत्री बनते जैसे सीमा मोदी को उतने ही बहुमत को विजय बनाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई प्रतिबंधित ना हो सके। आप लोग निश्चित रूप से यहाँ के सर्व शासकों या जनप्रतिनिधियों के शासन से खबर रहे होंगे, उनके आचरण, उनके व्यक्तिगत आकांक्षा स्वार्थ और अपनों के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत सारे हमारे जिला साथी लोगों ने बोला कि अपने भाई को दोषी बनाया गया, अपने विशेष को विभिन्न प्रकार के पैसे विभाजित किया गया। लेकिन हमारे पूर्व विधायक अनंत कुमार ने ऐसा आचरण का इस विधानसभा में प्रचलन किया है कि जब तक किसी भी योजनाओं का शिलान्यास होता था वो एक अफसर शाही या अपने नाम का परमाणु लगा करके वहाँ स्थानीय लोगों के माताओं के दो वृद्ध महिलाओं का नाम उपयोग करके एक अच्छा इंसान बन गया है, तो इससे बड़ा और महिला सशक्तिकरण या जन सागरिकता क्या हो सकती है। इतने ही नहीं बल्कि रोजगार नीति के रूप में जो बार बार सरकार द्वारा उम्र में कमलती करके केंद्रीय भाषाओं का लिस्ट से हटा करके दूसरे दूसरे भाषाओं को स्थान देकर के स्थानीय लोगों को रोजगार में वंचित करने का जो काम किया गया है, ऐसे सरकार को ऐसे समुदायों को निश्चित रूप से सबक सिखाने की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कि जुर्म करने वाले से अधिक गुनाहगार जुर्म और फर्ज के लिए वाला होता है। तो समाधान बनने में समय आ गया है जिसका सुन सुने जवाब देने का। तो आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस उपचुनाव में हमारे जीवन के चलता सुषमा महंत को बिल्कुल बने वास्ते बंदी बराबर सीधा बनाए और झारखंड के आने वाले भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों को जन बहुत धन्यवाद। झारखंड बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तमाम विधानसभा के समाज अच्छा।